कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डही ने अपना विरोध व्यक्त किया। प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस के नियमानुसार कांग्रेस कार्यालय डही में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपना विरोध व्यक्त किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र डावर ने बताया कि राहुल गांधी की देश में पदयात्रा की अपार सफलता को देखते हुए कांग्रेस का जनाधार बढ़ता देख केंद्र सरकार में भय का वातावरण निर्मित हुआ है। लोकसभा में राहुल गांधी के द्वारा पूछे गए सवालों से बचने हेतु राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई। राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार से सवाल पूछने का मतलब सांसद की सदस्यता रद्द की जा रही है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं और आगे भी इस पर आंदोलन ब्लॉक कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। डही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। प्रेस कमेटी गई, नई प्रेस कमेटी सभी साथीगण को नमस्कार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिलाधार विधायक सुरेंद्र सिंघानी बघेल के निर्देश पर प्रेस वार्ता के माध्यम से आप समय पत्रकार साथी को सूचित किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय एवं सांसद श्री राहुल गांधी जी के लोकसभा सदस्य रद्द किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस एवं नगर कांग्रेस कमेटी व्यक्त करती है। राहुल गांधी जी के देश में पदयात्रा के अपार सफलता को देखते हुए कांग्रेस जनाधार बढ़ता हुआ देखते हुए केंद्र सरकार के भय वातावरण के निर्मित हुआ है। लोकसभा में राहुल गांधी जी के द्वारा पूछे गए सवालों को से बचने हेतु राहुल जी के लोकसभा सदस्यता षड्यंत्रपूर्वक रद्द की गई है। राहुल जी के आवाज़ को दबाया जा रहा है, जबकि देशवासियों को बोलने की वे मौलिक अधिकार लगभग सभी रोक से लगा दी गई है। सरकार के सवाल पूछने पर मतलब संसद की सदस्यता रद्द की जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। ये प्रेस वार्ता कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस आनंद फानंद में सरकार ने केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उन पर पुराने किसी केस के माध्यम से 2 वर्ष के लिए निलंबित किया, यहीं तक सरकार का निलंबन नहीं रहा, उनके आवास को भी खाली करने का उन्हें नोटिस दे दिया गया। ब्लॉक कांग्रेस नगर कांग्रेस इसी को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रही है कि जो देश में भारतीय संविधान की धारा 19 और उल्लेख है कि व्यक्ति को बोलने की आज़ादी जो मिली है, सीधे सीधे इस आज़ादी को खत्म करना हम ऐसा मानते हैं। देश में फैली अराजकता को हम पार्टी के माध्यम से विरोध दर्ज कर सरकार से पुनः अनुरोध करते हैं कि देश में भय का वातावरण निर्मित न होने दें। देश को आगे ले जाने में कांग्रेस पार्टी का जो त्याग बलिदान हमेशा से रहा है, पार्टी अपना त्याग बलिदान जारी रखेगी। जब भी देश को कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता होगी, कांग्रेस आप सब हम सब साथियों के साथ देश को आगे ले जाने के लिए मजबूती के साथ खड़े मिले। आज की प्रेस वार्ता में इसी टॉपिक को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है, जिसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी साथ ही हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी के निर्देश में आज की हमने प्रेस वार्ता रखी है। चूंकि धरना विरोध प्रदर्शन न करते हुए पार्टी की सोच ये है कि क्यों न पत्रकारों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करवाया जाए, जिससे आम जनता तक आपके अखबारें और जिन चैनलों के माध्यम से आम जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचे और देश को आगे ले जाने में हमें मदद मिले। जय हिंद, जय भारत। पार्टी का कि पत्रकार जो है वो हर घर की
हर घर तक पहुंचने वाली एक शक्ति है। क्यों ना हम इसका उपयोग करते हुए पत्रकारों को आमंत्रित करें और उनके माध्यम से अपना विरोध दर्ज कर घर घर तक हमारी पार्टी का आह्वान या जो आवाज है उसको घर घर तक पहुँचाए। एक सवाल ये है कि भाई कि दही ब्लॉक लेवल स्तर पे सत्याग्रह न करने का कारण क्या हो रहा कांग्रेस का? उसी में हुआ है, यहाँ भी करते, बाकी विधायक मोदी का से निर्देश आगे से निर्देश जिला कांग्रेस से भी निर्देश मिलेगा। जिला कांग्रेस का निर्देश नहीं ऐसा, जिला और विधायक के दोनों के मतलब निर्देश, जिला कांग्रेस के पहली बात होता है, जिला कांग्रेस काम करता है किया जाएगा। इस कार्ड जैसे 27 तारीख से हो चुका है, एक माह का प्रेस वार्ता का आज से है, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।